क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा प्रभाग समिति पर और आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सलमान रिजवी ने आज मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे के केबिन के सामने बैठकर उपोषण किया। दरअसल सलमान रिजवी की मांग है कि शिमला पार्क तालाब जो है उसका शोभीकरण किया जाए और वो प्राइवेट जो दिया गया है उनका कहना है कि वो जो है किसी दूसरे को हैंड ओवर किया जाए जो अच्छे से उसकी देखभाल की जाए। इस तरह की मांग को लेकर जो है उपोषण पर आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं सागर सालुंखे उनकी केबिन के सामने उपोषण पर बैठे थे। बहरहाल उपोषण के दौरान करीब 4 से 5 मिनट ये उपोषण चला, उसके बाद सागर सालुंखे ने उनका जो लेटर था वो निवेदन था वो लिया और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जाएगी। 10 दिन का समय दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि वैसे तो सलमान रिजवी वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं लेकिन उन्होंने जो ये आज यहाँ पर उपोषण किया और जो मांग की है उनका कहना है कि वो पार्टी के लेटर पे उन्होंने इसका जो उपोषण नहीं किया वो खुद अपनी जो है एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते जो है उन्होंने ये उपोषण किया है। बहरहाल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ सलमान रिजवी ने कहा है सुनिए। सलमान भाई, आज आप यहाँ पर आंदोलन पर बैठे थे, आपके केबिन के सामने क्या मांग थी आप यहाँ पर बैठे? देखिए, आंदोलन नहीं था, ये उपोषण था। मैंने पिछले 25 दिन पहले एक लेटर दिया था मुमरा प्रभाग समिति के AMC सागर सालुंखे साहब को कि वार्ड नंबर 29 के अंदर और वार्ड नंबर 29 ही नहीं खाली, मुमरा शहर के अंदर एक ही तालाब पाली है जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाके खेलते हैं, वो गार्डन है, वो गार्डन की परिस्थिति बिल्कुल खस्ता है। वहाँ पे जिसपे बच्चे खेलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे तो कभी भी हादसा हो सकता है। आप देखेंगे कि तालाब के बाउंड्री वॉल्स भी टूटी हुई है, तालाब के अंदर शौचालय नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और सबसे अहम चीज जो है, जब इस चीजों को देखा मैंने तो मैंने ये भी एक मांग रखी कि जिस किसी कंपनी को आपने दिया है प्राइवेट चलाने उससे आप फौरन लेके अंडर दी TMC इसको मेंटेन करें और TMC इसको चलाएं। ये सब मेरी मांग थी। आपने ये उपोषण पर आज किया, यहाँ मांगों को लेकर बैठे, लेकिन आपके जो है वरिष्ठ लोग वो कहाँ पे? सर, ये मैं कांग्रेस के पांडिपे पे मैंने उपोषण नहीं रखा था। सलमान रिजवी एक सोशल एक्टिविस्ट है, हमेशा लोगों के हित के लिए ग्राउंड लेवल से जुड़ा था। ये मेरी समस्या थी, मेरे वार्ड की समस्या थी, इसके लिए मैंने बैठा। पार्टी की समस्या होगी तो चौहान साहब आएंगे ना, ये मेरे वार्ड की समस्या है। जरूरी थोड़ी ना कि मैं कांग्रेस के बिहाफ पे करूंगा, अरे मेरे पर्सनल चीजें हैं। सलमान रिजवी एक कांग्रेस का चेहरा दिखाया जाता है, तो अगर सलमान रिजवी खड़ा है तो मतलब कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के जब सलमान रिजवी खड़ा है तो कांग्रेस क्यों नहीं खड़ी है? सर, जब आपने बोल दिया कि सलमान रिजवी खड़ी तो कांग्रेस खड़ी, तो वरिष्ठों की भी जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, यहाँ पे आके बैठ लिया हूँ। अब नहीं है चौहान साहब कहीं बिजी है तो बिजी है, तो मैं धरना प्रदर्शन थोड़ी ना रोक सकता हूँ, मेरा उपोषण का मैंने परमिशन लिया हुआ, आके बैठा मैं। वो बिजी है तो इसका मतलब थोड़ी ना पब्लिक तकलीफ में रहेगी। मैंने उस मुद्दे पे बात किया, आप नहीं आए वो बात अलग है, तुम्हारे और शहर के जो लोग है वो कहाँ है? सर, मैंने क्या बोला, मैंने समाज सेवक के हैसियत से उपोषण रखा था, पार्टी लेवल पे नहीं रखा था। मैं बुलाऊंगा तो आएंगे, नहीं बुलाया मैंने, नहीं आए। और जो लोग आए थे आपके सामने खड़े मेरे शहर के लिए कहीं पे भी जरूरी नहीं, मैं किसी का इंतजार करूंगा। चीज आप पोषण करोगे, कुछ भी बैठोगे तो पार्टी के लेवल पे नहीं बैठोगे, आप समाज सेवक के रूप में बैठोगे। देखिए कैसा है, लेवल से काम नहीं करोगे, वो मुद्दा तय करेगा कि पार्टी के साथ बैठना है कि अकेले बैठना है, वो मुद्दा तय करे। ये मेरे वार्ड का मुद्दा था, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करोगे, मेरे हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा मैं, पब्लिक के हिसाब से चल रहा। किसको इस्तेमाल कर रहा हूँ? पार्टी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैंने, क्या देखिए, जैसे टोरेंट का मुद्दा था, वो देश का मुद्दा था, अपने शहर का मुद्दा था, कलवा मुमरा शिल्ड का मुद्दा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करी। ये मेरे तलाव पाली का मुद्दा, अरे लेकिन मेरी कैपेबिलिटी है ना सर उपोषण करने की, मैं हर बात पे एक छोटे मोटे मुद्दे पे थोड़ी ना अपने वरिष्ठ को बुलाऊंगा,
मैं कैपेबल हूँ उसके लिए, मैं कर रहा हूँ कार्यकर्ता है ना तुम्हारे कांग्रेस के कार्यकर्ता में, उनको क्यों नहीं बुलाया? अरे मतलब उपोषण कार्यकर्ता ही तय करेंगे क्या सर यहाँ पे? मैं नहीं कर सकता क्या? मैं कर रहा हूँ ना, बोले कि मुद्दे के हिसाब से, शहर के मुद्दे की बात है तो सलमान रिजवी को अगर अकेले करोगे, सलमान रिजवी को अगर अकेले भी खड़े रहना पड़ेगा, सलमान रिजवी अकेले खड़ा रहेगा, पार्टी के बैनर तले काम नहीं करोगे? नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे वोट का मसला है। वोट कब तक नहीं करेंगे? वार्ड का मतलब जो रहेगा वो पार्टी के तहत नहीं करो सर। कैसा है, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, तो पार्टी के तहत नहीं करो। अभी जैसे इन्होंने कहा ना सलमान रिजवी मतलब कांग्रेस, तो है ना कांग्रेस? मैं क्या बोल रहा हूँ वो बताओ ना। आप करे का मुद्दा रहेगा तो पार्टी के तहत नहीं करोगे? नहीं पार्टी के तहत ही तो कर रहा हूँ मैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ ना सर। सर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आपका सवाल ये था कि आपके वरिष्ठ किधर है, पहली चीज। उसका मैंने जवाब ये दिया कि सलमान रिजवी को शहर के मुद्दों के लिए अगर अकेले भी खड़े रहना पड़ेगा तो मैं खड़े रहूंगा। चौहान साहब से कल बात ही थी, वो नहीं थे इसलिए मैंने अपोषण किया। नहीं चौहान साहब नहीं, चौहान साहब थाने में है, चलो नहीं आ सकते, और भी आपके लोग हैं ना यहाँ पर। सर कैसा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी बात करिए। अब सलमान रिजवी अपोषण कर रहे हैं शहर की जनता के लिए, पार्टी के और जो कार्यकर्ता है उसे मतलब नहीं है? मतलब है, लेकिन ये मेरा अपोषण था, ये मेरा अपोषण था, शहर की जनता के लिए अपोषण किया मैंने। लेकिन आपके कार्यकर्ता है ना? अरे है ना, अरे मैंने नहीं बुलाया, मुझे अकेले करना था। नहीं वजह इसके कुछ नहीं, मैंने अकेले बुलाया, मैं मुझे अकेले करना था, मैंने अकेले किया, कोई वजह नहीं। इसका मतलब आप दिखावा कर रहे थे अकेले? नहीं कैसा है, महानगर पालिका के मुमरा प्रभाग समिति की एएमसी, इनके सामने क्या दिखावा करूं? मैंने लेटर दिया, आप लेटर देखिए मेरा, 25 दिन पहले का एक लेटर है। कल मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन से परमिशन लिया अपोषण के लिए, आज भी मैंने ये बोला 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी, थाने महानगर पालिका के कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठूंगा, वो चाहे अकेले बैठूं चाहे कार्यकर्ता को लेके बैठूं। जैसे तालाब के लिए मैंने दिया है कि दुष्टीकरण, सुशोभीकरण, सिक्योरिटी, वॉल, बांध काम, बच्चे जिसपे खेलते वो खराब है, इसके लिए 10 दिन के अंदर नहीं शुरू होगा, मैं वहां जाके बैठ। किसी भी काम के लिए अगर जनता का शहर का काम है वो काम नहीं होगा या कार्यकर्ता को लेके जाएगा।